हेलो बच्चों, वेलकम टू M12। हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको 31 तक रीजनिंग के क्वेश्चंस करा दिए थे। ये आपका NMMSS का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग पोर्शन है। हम लास्ट वीडियो में 31 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, M12 पर जाइए, और वो चैनल आप वो वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। तो आज हम 32 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो रेडी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये कह रहा है कि इनमें आपको श्रृंखला दी गई है और आपको रिक्त स्थान से इन्हें भरना है, यानी कि आपको इसमें बताना है कि 23, 30, 36, 41, 45 के बाद कौन सी संख्या आने वाली है। तो मैंने आपको बताया था इस तरह के सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको वो नंबर्स पास पास दिखाई देते हैं तो आपको उन नंबर्स में सबसे पहले डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि उनके बीच में जो डिफरेंसेज हैं वो कितने कितने बैठ रहे हैं। तो अगर हम इनमें डिफरेंस लगाते हैं तो देखिए, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस। कुछ सीक्वेंस आपको होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, और अब किसका डिफरेंस होगा? 3 का डिफरेंस। देखिए हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का है, 5 का है, 4 का है, 3 का है। जब 45 में आप 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 48। 48 यहाँ पर कहाँ है आपके पास? ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। सिंपल। नेक्स्ट में वो कहता है आपको श्रृंखला उसने दी है 26, 63, फिर क्वेश्चन मार्क बीच में दे दिया है, 215 और 342 दिया है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्योंकि ये नंबर काफ़ी दूर दूर है, लगभग यहाँ देखो यहाँ पर लगभग 100 का डिफरेंस है, तो हम इसमें डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं लेंगे। डिफरेंस वाले फॉर्मूले से ये नहीं होगा, हमें इसमें दूसरा तरीका खोजना पड़ेगा। तो इसमें हमने यहाँ कौन सा तरीका खोजा है ये देखो। यहाँ पर हम अगर 3 का स्क्वायर लेते हैं, 3 का क्यूब लेते हैं, सॉरी 3 का क्यूब क्या होता है? 3 × 3 = 27। उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 26 आ जाता है। हमने ट्राई करके देखा। चलिए 4 का अगर हम क्यूब लेते हैं, 4 × 16 = 64, 64 में हम अगर 1 माइनस करें तो 63 आ रहा है। अब ये इन दोनों में सही बैठ रहा, तो हो सकता है आगे भी सही बैठे। अब ये तो हमें नंबर पता नहीं है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क था, ये हमें नहीं पता, तो हम इन दोनों को भी और ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये 3 है या 4 है या 5 होना चाहिए प्रॉबेबली, लेकिन अगर हम आगे 6 से करके देखें तो 6 × 36 = 216 होता है। 216 में से 1 माइनस करें 215, ये भी ठीक बैठा। फिर इस तरह 7 × 7 = 49, 73 = 343, 343 होता है, इसमें से 1 माइनस किया 342 आया, इसका मतलब ये भी है, तो मतलब ये भी सही ही बैठेगा। तो हम यहाँ पर 5 को करेंगे, 5 का क्यूब आपका होता है 5 × 5 = 25, 5 × 125, 125 में से आप 1 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाता है 124। तो आपका ऑप्शन में यहाँ कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1, 124 आपका आंसर है। चलिए इसमें वो कह रहा है कि नेक्स्ट सीरीज है आपकी 60, 59, 56, 46, 30। अब ये देखो घटते क्रम में ये घटते जा रहे हैं, तो अब क्योंकि ये पास पास हमें दिखाई दे रहे हैं तो एक बार हम डिफरेंसेस इसके लगा के देख लेते हैं। तो देखिए इनमें 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर आपका 9 का डिफरेंस है, यहाँ देखो, फिर आपका ये देखो यहाँ पर 1 का डिफरेंस आया, फिर 4 का आया, फिर 9 का आया, फिर 16 का आया। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कि ये सब स्क्वायर हैं, ये सब वर्ग हैं, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और इन दोनों में अब किसका वर्ग होना चाहिए? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो मतलब कि अगर ये घटते क्रम में आ रहे हैं और इनमें वर्ग के अनुसार ये बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर तो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर 5 का वर्ग आएगा और 25 माइनस होना है तो हम 30 में से 25 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर घटता हुआ जा रहा है ना, तो हम 30 में से 25 घटा देंगे। 30 में से 25 घटा के हमारे पास 5 आता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक। चलिए नेक्स्ट है 17, 19, 23, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ दे दिया 31 और 37। अब इसमें देखो है पास पास का डिफरेंस ही, पास पास ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें डिफरेंस का हिसाब लगाओ तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। अब यहाँ 2, 4, 5 का डिफरेंस आप नहीं ले सकते, तो 2, 4, 5, 6 हो, 2, 4, 5, 6 हो जाएगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं बनता ये। अगर आप यहाँ 6 का लेते हो तो 2, 4, 6, 6 हो जाएगा, फिर भी 6 का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी डिफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ पर फिर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम कोई और फॉर्मूला अगर स्क्वायर का लगाते हैं बच्चों, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये सब आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जितनी भी संख्याएँ हैं ये सब अभाज्य संख्याएँ हैं। अभाज्य संख्याएँ कौन सी होती हैं? वो संख्याएँ जो केवल 1 से या फिर अपने आप से ही गुणा होती हैं। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन चारों ऑप्शंस में अब हम देखेंगे, इन चारों ऑप्शंस में अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 25 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 5 से भी गुणा होता है, 1 से भी गुणा होता है, 25 से भी गुणा होता है, 27 भी नहीं है, 27 वर्ग होता है ऑलरेडी, क्यूब होता है, 29
जी हाँ, 29 आपके बाद जनसंख्या, क्योंकि 29 एक से और 29 के अलावा किसी से गुणा नहीं होता, 28 भी नहीं है, 28 भी 7 चौका 28 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब आप उसने आपको तीन बॉक्सेस दे दिए हैं। एक इस तरह का बॉक्स दिया है जिसमें 8 12 5 लिखा है और नीचे 5 लिखा है, इसमें दिया है 19 8 22, नीचे 7 दिया है, इसमें दिया है ये, और इसमें नीचे 10 दिया है। अब क्या करेंगे? इसके कहने का इस उसका मतलब है कि इस तीनों में ऐसा डिफरेंस है कि जो 5 से जुड़ा होगा, इन तीनों में ऐसा रिलेशन है जो 7 से जुड़ा होगा, और इन तीनों में ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो 10 से जुड़ा हुआ हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस या वो देखते हैं, हम क्या करते हैं चीज करके देखते हैं। पहले हम इन तीनों को जोड़ के देखते हैं, 8 को 5 को और 12 को। हमारे पास क्या आता है, 8 और 5 13 और 12 क्या आता है, 25। 25 5 से किसी तरह रिलेशन में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 25 जो है वो 5 का वर्गमूल वर्ग होता है, 25 जो है वो 5 का वर्ग होता है। इसी तरह आप 19 22 और 8 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ये देखो आपने 19 22 और 8 जोड़ा तो 49 आया। 49 7 से कैसे जुड़ा है, 49 7 का वर्ग है। इसी तरह यहाँ पर अगर 10 है तो इसका मतलब यहाँ पर आने वाली संख्या जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि इन तीनों का जो हम योग करें तो वो 100 आए। 100 क्या है, 10 का वर्ग है। तो इन तीनों को जोड़ के हमें 100 लाना है। अगर हमें दो संख्याएं दी हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। तो तीसरी हमने क्या निकाली, 43 निकाली, जिससे कि हमारा आंसर जो है वो 100 आ जाए, ताकि वो हम 10 का स्क्वायर कर सकें और इससे रिलेशन बिठा सकें। तो हमने आंसर क्या निकाल दिया, 43। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसमें, ऑप्शन नंबर 43। ठीक, चलिए इस वाले क्वेश्चन में आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें उसने आपको कुछ संख्याएं दी हुई हैं। इन सारी संख्याओं में आपको बताना है किस तरह रिलेशन बैठेगा। इन सारी संख्याओं को भी अगर आप ध्यान से देखो तो इन सारी संख्याओं में भी डिफरेंस के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो कैसे भी नहीं बैठेगा। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर 6 का डिफरेंस है, और यहाँ पर ख़त्म हो गया, क्योंकि 23 से शुरू है ये। तो डिफरेंस के हिसाब नहीं बैठेगा, वर्ग का भी लगाओगे तो भी हिसाब नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें हम एक चीज़ नोट कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, कि ये सब भी अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान से देखो, इसमें कोई ऐसी संख्या आपको दिख रही है जो किसी और से भी गुणा हो सकती हो, या इसका कोई गुणनखंड बनता हो एक के अलावा? नहीं ना। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, बाकी सारे ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सी अभाज्य संख्या है। 33 अभाज्य संख्या है? नहीं। 35 है? नहीं। 11 7 5 35 होता है, 11 3 33 होता है, 17 2 34 होता है, 31। ऑप्शन नंबर 3, 31 आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ क्या आपका क्या आएगा, 31। चलिए इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें उसने क्या दिया है आपको, एक वर्ग है उसको दो ट्रायंगल में बांट दिया है, उसमें दो संख्याएं दी हैं एक गायब कर दी है, और इसमें दो संख्याएं दी हैं इसे 5 दे दिया। अब बच्चों बहुत ज्यादा हम बिल्कुल ऐसा होता है कि आप इन सवालों को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सवाल को देखते ही एकदम पता चल जाएगा कि हमें इसमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अलग अलग कर लें इस तरह, अगर हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मान लीजिए हमने अलग अलग कर लिया, तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, ध्यान से देखें कि अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इन दोनों का वर्ग हमारे पास क्या आता है। हम अब सॉल्व करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से इसको, तो 5 आता है ना हमारे पास, 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, अगर ये 90 डिग्री कोण बनाने वाला त्रिभुज है तो हम इसमें अगर लगाएं तो हमारे पास 5 आ जाता है ना। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो यहाँ पर ये 5 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी हमें वही लगाना है। 12 का स्क्वायर करेंगे और 5 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में जो आएगा उसका वर्गमूल जो है हमारा आंसर है। हमने इन दोनों को प्लस किया तो 169 आया, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिंपल 13। यहाँ पर आपके ऑप्शन में 13 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, 13। चलिए अब यहाँ पर देखो बच्चों, वो कह रहा है कि अगर ए ट्राइंगल बी बराबर है रूट ए स्क्वायर माइनस 2b, तो 12 ट्राइंगल 22 क्या होगा। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, ए की जगह 12 लगाना है, बी की जगह 22 लगाना है। इस वाली इक्वेशन में आपको ए की जगह 12 रख देना है, बी की जगह 22 रख देना है। हमने कैसे रख दिया, आप रख के देखेंगे तो इसका मतलब 12 स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर की जगह, 2b की जगह 2 गुना 22 कर दिया। इसे हमने क्या कहा, 144 आया 12 का स्क्वायर, और 22 दूनी 44 आया, इनमें से माइनस करेंगे रूट 100 आया। रूट 100 किसका, रूट 100 का क्या आंसर आएगा, 10। 10 का स्क्वायर होता है ना, तो आंसर क्या आ गया आपका, 10। ठीक है, चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है आपको। ये आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल दे दिया है और इसको आपको 100
सॉल्व करना है। लेकिन बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सही नहीं है, तो ये क्वेश्चंस भी उन्हीं में से है। ये क्वेश्चन गलत है आई थिंक, या फिर इसका आंसर, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर इतना सिंपल नहीं आ रहा है। अगर आपको सॉल्व करते हैं और अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट है या आपको इस सवाल में ऐसा लग रहा है कि सही निकल सकता है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये सवाल गलत है। सवाल गलत है या इसके ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि ये इस तरह से इतना सिंपली ये क्वेश्चन पुट नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से विषम को छांटिए। अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें से बाकी तीनों से कौन सा ऐसा चौथा ऑप्शन है जो गलत, मतलब अलग है, सॉरी गलत नहीं है, अलग है। देखो उसने दिया है गोला दिया है, घन दिया है, बेलन दिया है और समांतर चतुर्भुज दिया है। बच्चों हम इसकी शेप में अगर जाएं तो शेप में हम हिसाब नहीं लगा सकते, क्योंकि शेप तो चारों की अलग होती है ना, आकृति तो चारों की अलग होती है, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बाकी तीनों में होती है और चौथे में नहीं होती है। देखो आप गोले का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन निकालते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल, आयतन नहीं निकालते हैं ना। तो समांतर चतुर्भुज है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो कि अलग है। बाकी सब में आयतन निकलता है, समांतर चतुर्भुज में आयतन नहीं निकलता, इसमें क्षेत्रफल निकलता है। चलिए इस वाली श्रेणी में एक अक्षर लुप्त है जो कि उसी क्रम में एक विकल्प में दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। बच्चों ये आपके ऐसे सवाल आते हैं जिसमें आपको ए बी करके बहुत सीक्वेंस दिया होता है, बीच में आपको ब्लैंक्स दे दिए गए होते हैं, आपको क्या करना होता है, पैटर्न ढूंढना होता है, मतलब कि कौन से दो या तीन अक्षर बिल्कुल एक साथ बार बार रिपीट हो रहे हैं वो आपको ढूंढने होते हैं ताकि उनको ब्लैंक्स में भर सकें। इसे हमने कैसे सॉल्व किया, देखो इसमें आप देखो आपको क्या दिया था, ये दिया था और ये दिया था, बी ए ए दिया था और ए ए बी दिया था। आपको ये पक्का पता चल गया कि बी के बाद दो ए आएंगे और बी से पहले भी दो ए आएंगे। अगर हम इसको भर के देखें तो बी से पहले यहाँ पर तो एक ही दे रखा, तो ए ए भर दिया, चलो अब क्या बन गया, ए बी ए ए। अब आपको ये पता है कि ए ए के बाद बी आना है, दो ए हो जाएंगे उसके बाद बी आएगा, ये भी आपको दे रखा है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमारे पास दो ए हो गए थे, तो इसके बाद खाली बचा था, हमने बी भर दिया, उसके बाद ए ए बी आया। आपको ये पता है कि ए ए बी यहाँ पर आ रहा है तो उसके बाद ए आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ए भर दिया। आपको ये भी पता है कि ए बी के ए के बाद बी आता है तो आपने बी भर दिया, समझे। तो ऑप्शन मतलब रिपीटेशन क्या बन गया, ए बी ए ए बी ए ए बी, मतलब कि आपका ए ए बी जो है बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर तो पहला दे दिया और ए बी पहले दे दिया, फिर आया ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए, मतलब कि आपका जो ए है और बी है ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, ये आपका रिपीटेशन हो रहा है। यही हमें ढूंढना होता है कि इस तरह के कभी भी सीक्वेंस में आते हैं। तो जब हमने ब्लैंक्स भर दिए तो हमारे पास क्या आया ब्लैंक के अंदर, एक पहले ए आया फिर बी आया फिर ए आया फिर बी आया, तो मतलब ए बी आपका आंसर है, ऑप्शन में ए बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलो इसमें उसने आपको एक श्रेणी दी, बच्चों अब तक हमने जो श्रेणियाँ की हैं उसमें हमें या तो सारे अल्फाबेट दिए होते थे या सारे नंबर दिए होते थे। इसमें इसने क्या किया है, इसमें इसने ट्रिकी कर दिया इसको, इसने क्या किया कि आपको अल्फाबेट भी दे दिया और न्यूमेरिक भी दे दिया, नंबर भी दे दिया। तो आप क्या दिया इसने, ए थ्री ई डी सिक्स एच जे ट्वेल्व एन। इसे हमने कैसे सॉल्व किया, देखो ए बी सी डी ई तीन छोड़े हुए हैं इसने, ठीक है, डी ई एफ जी एच तीन छोड़े हुए हैं, जे एच आई जे के एल एम एन यहाँ भी तीन छोड़े हुए हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि दोनों जो अल्फाबेट दिए गए हैं हमें क्वेश्चंस में उनके बीच में तीन छूटने चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ दिया था उसने तीन दिया था, छः दिया था, डैश दिया था और 12 दिया था, ये कुछ तीन के पहाड़े जैसा लग रहा है, 3 6 9 12, तो यहाँ तो 9 आ गया, चलो ये पक्का हो गया। अब ऑप्शन में कहाँ ढूंढेंगे, 9 किस किस में है, चारों में है 9, चलिए ये भी छोड़िए। अब हमें ढूंढना है कि तीनों के बीच में तीन तीन का डिफरेंस आना चाहिए, ये निकाला हमने, चलो ऑप्शन में देखते हैं, एफ जी एच आई जे जे के एल जी एच आई जे के, अब इसमें भी तीन छूट रहे हैं, इसमें भी तीन छूट रहे हैं, ठीक है, इसमें भी तीन छूट रहे हैं और इसमें भी तीन छूट रहे हैं, इसमें कितने छूट रहे हैं, एफ जी एच आई जे चार छूट रहे हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं है, जी एच आई जे के एल इसमें और ज़्यादा छूट रहे हैं, ये भी नहीं आएगा, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक में क्या कर रहा है वो, कि अगर आप यहाँ अब क्या करना है, अगर हमें पता लगाना है तो हमें इस ए और डी के बीच में देखना पड़ेगा रिलेशन, ए और डी के बीच में क्या रिलेशन है, ए बी सी डी, इसका मतलब दो छूट रहे हैं, ठीक है, ए और डी के बीच में दो छूट रहे हैं। पहले तो हमने क्या निकाला, ए और ई के बीच में निकाला,
फिर हमने 3, 6, 9 जो न्यूमरिक था, नंबर वाला था, उसके बीच में निकाला। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सीक्वेंस में पहले हैं ए और डी, इनके बीच में देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका पहला अक्षर क्या होगा। ए बी सी डी दो छूटे हुए हैं, तो डी के बाद भी दो छूटेंगे, उसके बाद अगला वाला आएगा आंसर। तो डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी, यहाँ पर एफ भी दिया हुआ था आपको, तो एफ मतलब नहीं आएगा, गलत है। तो क्या आएगा, जी, और जी वाला 3 छूटा हुआ है, उसमें वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 2, तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर 2 लिख देना। ये सबको जरूर ध्यान रखना है कि केवल एक बार रिलेशन निकाल लेने से, या आपने जैसे 3 का निकाल लिया, या 6, या फिर आपने ई का निकाल लिया, या आपने ए और ई के बीच में निकाल लिया, सिर्फ एक रिलेशन निकाल लेने से कभी भी अपने सवाल का अंदाजा नहीं लगाना है। आपको इतनी श्योरिटी कर लेनी है, आपको 2-3 रिलेशन इस तरह निकाल लेने हैं कि आपको श्योरिटी हो जाए कि इसके अलावा आपको कुछ ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि डिस्टेंस शब्द में से सभी वॉवल्स को अगले और कॉन्सोनेंट्स को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, और सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में लगा दिया जाए, तो दाएं तरफ से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसे मैंने बहुत सिंपल तरीके से कर दिया है, आपको क्या करना है, ये आपको डिस्टेंस दिया था, ठीक। अब उसने बोला था, ये हमने लिख लिया कौन सा कॉन्सोनेंट है और कौन सा वॉवल है, यानी कि कौन सा वॉवल आपको पता है, ए आई ओ यू, कॉन्सोनेंट जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हमने ये लिख लिया कि कौन सा कॉन्सोनेंट है कौन सा वॉवल है, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है कि अगर वॉवल आता है तो अगला अक्षर लेना है, कॉन्सोनेंट आता है तो पिछला अक्षर लेना है। अब डी है, डी कॉन्सोनेंट है, इससे पिछला कौन सा होता है, सी, तो सी ले लिया। आई वॉवल है, वॉवल से अगला अक्षर लेना है, आई के बाद क्या आता है, जे। एस कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से एस से पहले क्या आता है, आर, आर ले लिया। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, इससे पिछला अक्षर ले लिया एस। ए क्या है, कॉन्सोनेंट, इससे पिछला अक्षर जेड लेंगे, सॉरी बच्चों यहाँ जेड आएगा, कॉन्सोनेंट से पिछला अक्षर लेना है, सॉरी ए इज अ वॉवल, इससे हमें अगला लेना है, ए से हमें अगला लेना है, तो ए हमने क्या ले लिया, बी, ये ठीक है। चलिए एन कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद हमें कॉन्सोनेंट से हमें पिछला लेना है, हमने एम ले लिया। सी कॉन्सोनेंट है, इससे पिछला लेना है, बी ले लिया। ई क्या है, वॉवल है आपका, इससे अगला लेना है, एफ ले लिया। ये तो हमारा सीक्वेंस बन गया, ठीक। अब वो कह रहा है इसको हमने लगा लिया इस तरह अल्फाबेटिकली। क्वेश्चन में बोला था कि इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमने कर लिया अरेंज किस तरह से, इस तरह से। अब हमें इसे अल्फाबेटिकली लगाना है, कैसे लगाएंगे, बी बी सी एफ एम आर एस, ठीक है, इसी तरह लगाएंगे। तो अगर हम दाएं से गिनना शुरू करें, यानी कि सबसे बाद में जो अक्षर आ रहे हैं उनसे रिवर्स चलना है, यानी कि सबसे बाद में क्या आता है एस, उससे पहले क्या आता है आर, उससे पहले क्या आता है इनमें एम, एम आता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेट एम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, यदि पी जेड के दक्षिण में हो तो पी वाई की किस दिशा में है, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलिए पहले वो कहता है वाई एक्स के पूर्व में है, हमने वाई को लिया एक्स के पूर्व में रख दिया, एक्स मान लो यहीं खड़ा है, एक्स के पूर्व में हमने वाई को रख दिया। चलिए वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, अब एक्स की पोजीशन बता रहा है, एक्स क्या है जेड के उत्तर में, तो जेड के उत्तर में मतलब जेड से नीचे, ठीक है। यदि पी जेड के दक्षिण में हो, अब वो कह रहा है कि जेड के दक्षिण में पी है, जेड के उत्तर में एक्स है, जेड के दक्षिण में पी है, तो पी वाई से किस दिशा में होगा, यानी कि इसकी पोजीशन बतानी है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अगर वाई यहाँ है तो पी अगर यहाँ है तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये कौन सी दिशा बच्चों, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण पश्चिम। चलो ये बच्चों वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है आपका फिर से, इसमें आपको उन्होंने अलग अलग आकृतियां दी हैं, उन आकृतियों को नाम दिए हैं और उनमें कुछ नंबर दिए हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो यहाँ पर हमने सवाल को आसान बनाने के लिए अलग अलग कर दिया सारे शेप्स को, कैसे कि हमने ये बता दिया, जो उन्होंने जो बताया, उन्होंने बताया है कि जो आयत है वो पुरुष है, जो त्रिभुज है वो शिक्षित हैं, जो व्रत है वो शहरी हैं, और जो वर्ग है वो है सिविल सेवक। अब पहले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, वो कह रहा है कि वो शिक्षित पुरुष बताओ जो शहरी नहीं है, शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, मतलब कि ऐसे नंबर जो आयत में भी आ रहे हों, त्रिभुज में भी आ रहे हों, पर व्रत में नहीं आ रहे हों, ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर
जो आयत में आ रहा हो, ठीक है, त्रिभुज में भी आ रहा हो, ठीक है। अब आयत और त्रिभुज में कितने नंबर आ रहे हैं? 4 और 11। लेकिन वृत्त में ना आ रहा हो, 4 नंबर वृत्त में आ गया तो बचा कौन सा? 11 नंबर। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 11। अगले में वो पूछता है कि वो बताओ जो ना तो सिविल सेवक हैं ना शिक्षित हैं, लेकिन शहरी हैं और पुरुष नहीं है। मतलब कि सिर्फ शहरी हैं, सिर्फ व्रत में आने वाला क्वेश्चन चाहिए, ना तो वो पुरुष हैं, ना वो शिक्षित हैं, ना वो सिविल सेवक हैं, सिर्फ शहरी हैं। तो ऐसा नंबर कौन सा है इस पूरी शेप में जो सिर्फ व्रत के अंदर आ रहा हो? ये देखो, ये नंबर सिर्फ व्रत के अंदर और किसी शेप में नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगले में वो कहता है कि इनमें से कौन बताओ जो स्त्री है, यानी कि पुरुष नहीं है, शहरी है और सिविल सेवक भी है। मतलब कि जो पुरुष नहीं है, मतलब कि आयत नहीं है, शिक्षित भी है, शहरी भी है और सिविल सेवक भी है। शहरी है और सिविल सेवक है लेकिन पुरुष नहीं है, और शिक्षित उसने नहीं दिया हुआ तो हम शिक्षित भी नहीं मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने शिक्षित नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो व्रत में आ रहा हो और वर्ग में आ रहा हो। ऐसा नंबर ढूंढो जो व्रत में हो और वर्ग में हो। व्रत में और वर्ग में आने वाले कितने नंबर हैं? कितने नंबर हैं? 2 नंबर, 10 और 6। लेकिन सिर्फ व्रत और वर्ग में आने चाहिए और किसी शेप में नहीं आने चाहिए। उसने कहा है आयत में भी नहीं आएगा, है ना? तो ये 6 नंबर क्या आयत में आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हुआ? 10 नंबर हुआ, जो आपका सिर्फ इन 2 शेप्स में आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10। अगले में वो कह रहा है कि वो शिक्षित पुरुष कौन से हैं जो शहर में रहते हैं। अब वो कह रहा है कि शिक्षित होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए और शहर में रहते हैं वो होने चाहिए। यानी कि सिर्फ वर्ग नहीं आएगा, त्रिभुज में भी आना चाहिए, आयत में भी आना चाहिए, वृत्त में भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ वर्ग में नहीं आ रहा? तो वर्ग के सारे नंबर हटा देंगे, बच गए। चलो अब 3 नंबर ही हटा देंगे क्योंकि सिर्फ व्रत में आता है, 5 नंबर हटा देंगे क्योंकि सिर्फ त्रिभुज में आता है, और 8 9 हटा देंगे जो सिर्फ इसमें आते हैं। तो वो कह रहा है कि व्रत अगर इसको हटा दें तो ऐसे कौन सा नंबर है जो इन तीनों में आ रहा है? ये नंबर देखो, 4 नंबर, ये व्रत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 पर टिक लगा देते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अब ये ऐसा सवाल है, इसमें क्या रहा है, वो सभी सड़कें पेड़ हैं, कोई पेड़ साबुन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। ये भी बच्चों एक वेन डायग्राम के टाइप का ही क्वेश्चन होता है, ये भी एक टाइप ऑफ वेन डायग्राम है। इसको कैसे बनाते हैं? हम करते हैं कि मान लो ये सड़कें हैं, वो कह रहा है कि सभी सड़कें पेड़ हैं, यानी कि वो जितनी भी सारी सड़कें हैं वो सब पेड़ के अंदर आ जाती हैं। ये पेड़ मान लिया, ये सड़कें मान ली, तो जितनी भी सड़कें हैं वो सब पेड़ के अंदर आ गई। ठीक है, चलो दूसरा उसने क्या कहा, कोई भी पेड़ साबुन नहीं है, यानी कि कोई भी पेड़, अब साबुन हमने अलग बना लिया, कोई भी पेड़ जो है वो साबुन नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल अलग ही व्रत है। ठीक, अब उसने ये कथन दिए हैं, हमें ये बताना है कि इन तीनों में से एक सही है, दो सही है, ये तीनों सही है, ये तीनों ही गलत है। ठीक है, चलो कोई साबुन सड़क नहीं है, कोई साबुन पेड़ नहीं है तो कोई साबुन सड़क भी नहीं होगा, चलो ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ पेड़ सड़कें हैं, क्या कुछ पेड़ सड़कें हैं? हाँ जी बिल्कुल है, जब सभी सड़कें पेड़ हैं तो कुछ पेड़ सड़क भी तो होंगे, ये भी सही है। कोई सड़क साबुन नहीं है, बिल्कुल कोई सड़क साबुन, क्योंकि साबुन बिल्कुल ही अलग है, साबुन का कोई लेने देना ही नहीं है, तो सब कोई सड़क साबुन नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर आएगा तीनों सही है, यानी कि सभी अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलो पहले और दूसरे शब्द के संबंध को जानकर दिए गए विकल्प में से लुप्त शब्द को चुनिए जिसका संबंध तीसरे और चौथे शब्द से है। मतलब कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो इसमें और अगले वाले में होना चाहिए। सिंपल, सेब फल है, आलू क्या है, फूल है, मीठा है, फल है, रूपांतरित तना है। तो बच्चों आलू जो है वो रूपांतरित तना होता है, आलू जो है वो तने का एक रूप होता है, रूपांतरण हो जाता है उसका, तो उसको रूपांतरित तना कहते हैं। तो अगर सेब फल है तो आलू क्या है, रूपांतरित तना। चलो निम्न में से 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक भिन्न शब्द को चुनिए। वही सेम 4 दिए हैं आपको, इसमें 3 अलग हैं और 3 एक जैसे हैं और 1 अलग है, तो हमें ढूंढना है चांदी, लोहा, सोना, हाइड्रोजन। आपको साफ साफ दिख रहा होगा चांदी, सोना, लोहा जो है तीनों धातु हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है आंसर आ जाएगा, ये चारों से बाकी तीनों से अलग है, हाइड्रोजन गैस है, बाकी तीनों धातु हैं। चलो इनमें से भी देखो, ये 4 दिए गए, इनमें से 3 एक जैसे हैं और 1 अलग है। अब इसमें से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है? देखो आपको मैं 10 सेकंड देती हूँ, देखो क्या अलग हो सकता है 75, 45, 25 और 15 में, कौन सी ऐसी संख्या है जो बाकी तीनों से अलग है?
आप में से जिसने, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप में से जिसने भी इस आंसर को निकाल लिया हो या आपका आंसर सही बैठे मेरे बताने के बाद, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, आप ये देख सकते हो 75, 45 और 15, इनमें से कोई वर्ग या क्यूब नहीं है, घन नहीं है। 25 आपका किसका घन होता है? 5 का। तो सिर्फ ये एक ऐसी संख्या है जो आपका घन है, लेकिन बाकी संख्याएं आपका घन नहीं है। तो 25 आपका सही जवाब है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो एम के बाईं से पांचवा अक्षर कौन सा होगा? इसको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस सवाल को पढ़ के दोबारा पढ़ो। देखो, अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें तो एम के बाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा है? सिंपली तरीके से देखो कैसे करेंगे। नॉर्मल क्रम क्या होता है? ए पहला होता है, जेड आखिरी होता है, यानी कि ए पहला हो गया और जेड 26वां हो गया। अगर इसको विपरीत कर दें तो जेड पहला हो गया, ए 26वां हो गया। इतना तो समझ आया, ठीक। अब वो कह रहा है, मान लो अगर हम नॉर्मल क्रम में चलते हैं तो एम के, अब यहाँ पर उसने विपरीत क्रम में हमें बताया है, वो कह रहा है कि अगर विपरीत क्रम कर दें तो एम के बाएं से पांचवा अक्षर बताना है हमें, ठीक है, ये बताना है हमें। लेकिन हम अगर सोचें कि अगर ये विपरीत क्रम है तो नॉर्मल क्रम में वो चीज़ क्या हो जाएगी? अगर विपरीत क्रम में वो एम के बाएं से पांचवा अक्षर है तो वो क्रम में क्या बैठेगी? एम से दायां पांचवा अक्षर। सोच के देखो, अगर आपने एबीसीडी को उल्टा लिख दिया तो जो अक्षर एम के पांच, एम से बाएं की तरफ यानी कि एम से लेफ्ट में पांचवा आएगा, उसे ही अगर आप उल्टा कर दो, मतलब कि नॉर्मल ले आओ, तो वो एम के राइट में पांचवा हो जाएगा। तो एम के राइट से पांचवा अक्षर कौन सा होता है? NOPQR। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा आर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसे इस तरह करना है, पूरी एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, अगला वो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉटर को ये लिख देते हैं तो एप्टीट्यूड को क्या लिखेंगे? देखो, आप ध्यान से इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है उसने, इस वाले क्वेश्चन में उसने किया हुआ है कि उसने डॉटर को कैसे लिखा है। डॉटर को उसने लिख दिया है, ये देखो, DAUGH, ये रहा DAUGH, TR, ये रहा TER। तो क्या किया उसने, पहले के जो पांच अक्षर थे उसने उसको लास्ट में ले लिया, और लास्ट के जो तीन अक्षर थे उसने उसको पहले ले लिया। अब हमें लॉजिक तो समझ आ गया, अब हम एप्टीट्यूड को भी इस तरह लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले के पांच अक्षर उठाएंगे, APTIT इसको लास्ट में लिख देंगे, और लास्ट के तीन उठाएंगे, UDE इसको यहाँ लिख देंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन में सही बैठ रहा है, तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। चलो, इसमें कह रहा है, निम्न संख्या श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 4, 7, 12, 21, 38। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे? एक पेपर रह गया क्या स्कैन करने के लिए? डिफरेंस निकाल के कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 4 और 7 में डिफरेंस आता है 3 का, 7 और 12 में आता है 5 का, फिर आता है 9 का, फिर आता है 17 का। अब उसमें तो कोई सीक्वेंस बैठेगा ही नहीं, क्योंकि 3, 5, 9 और 17 तो कुछ बैठता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, 4 दुनी 8, 4 को 2 से गुणा किया और 1 माइनस किया तो क्या आया? 7 आया। इसी तरह 7 को 2 से गुणा किया तो 14, 14 में से 2 माइनस करते हैं तो 12 आया। अब 12 दुनी 24 करते हैं तो 24 में से कितना घटाएंगे? 21 आए, 3। और 21 दुनी 42 में करेंगे और उसमें से 4 घटाते हैं तो 38 आया। मतलब कि हमने क्या किया, 2 से गुणा करते जा रहे हैं, और पहले 1 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 4 घटाया, यानी कि 4 दुनी 8 में से 1 घटाया 7, 7 दुनी 14 में से 2 घटाया 12, 12 दुनी 24 में से 3 घटाया 21, 21 दुनी 42 में से 4 घटाया 38। अब क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे, 2 से इसे गुणा करेंगे और 5 घटा देंगे। तो 38 दुनी कितना आया? 38 दुनी होता है बच्चों 76, 76 में से 5 घटाएंगे तो क्या आता है आपका? 71, 71। तो आपको ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 71। चलो, अगले में वो कह रहा है कि इनमें को एक तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्नीचर, जंगल, वृक्ष, लकड़ी, 4 दे रखे हैं उसने। सबसे पहले आपको पता है जंगल होता है, फिर उसके बाद वृक्ष कटते हैं, फिर उसमें से लकड़ी ली जाती है, और फिर फर्नीचर बनता है, यानी कि आपका 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 आपका कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो अभी आपका आंसर हो गया। चलो, इस वाले में कह रहा है, यदि घटा
का अर्थ जमा है, जमा का अर्थ घटा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा। ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तो आपको निम्न का मान निकालना है, तो आपको इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेना है। घटा की जगह जमा लिखेंगे, जमा की जगह घटा लिखेंगे, भाग की जगह गुणा लिखेंगे और गुणा की जगह भाग लिखेंगे। आप इसे मेरे लिए अपने आप सॉल्व करके मुझे दिखाइए और मुझे इसको बताइए कि आपका क्या आंसर निकला। हम इसको आपको टाइम देते हैं, आप इसे सॉल्व करिए, 2 मिनट का काम है। और हमेशा जब इस तरह के सवाल आप करें तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको बॉर्ड मास के रूल से चलना होगा। बॉर्ड मास के रूल का मतलब होता है आप पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जमा करेंगे और फिर घटा करेंगे। इस तरह से ही आपको सवालों को करना है, चाहे घटा जमा गुणा भाग किसी भी सीक्वेंस में आ रहे हो आपके पास, चाहे भाग सबसे लास्ट में आ रही हो, लेकिन आप सबसे पहले भाग करेंगे। आपको बॉर्ड मास का ये रूल हमेशा इस तरह के सवालों में ध्यान रखना है। तो आपने आंसर निकाला, क्या आंसर आया आप लोगों का बच्चों? अगर आप लोगों का आंसर 27 आया है ऑप्शन नंबर 3, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको सब बच्चों को जिनको भी 27 क्वेश्चन निकला है, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सवाल सही है, तो आप रीजनिंग में आगे बढ़ने लगे हैं। तो इसी तरह से आपको सवाल करते रहना है। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है, इस आकृति में से कौन सी ऐसी आकृति है जो महिलाएं माँ और बहन के संबंध को दर्शाती हैं। अब इसमें उसने क्या किया, ऑलरेडी हमें वेन डायग्राम दे दिया, अब हमें बताना है कि कौन सी ऐसी आकृति है जो बिल्कुल जस्टिफाई करती है इसको, मतलब बिल्कुल सही ठहरती है। अब देखो, अगर हम इसे महिलाएं मान लें तो सारी महिलाएं माँ होती हैं, क्या बहनें नहीं होती? बहनें भी होती हैं, तो ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता सही। अब देखो, यहाँ पर भी ये मान सकते हैं कि महिलाएं जो है माँ भी होती हैं और बहनें भी होती हैं, लेकिन जो माँ है वो भी तो बहन हो सकती है ना। माँ भी तो बहन हो सकती है, सिर्फ महिलाएं माँ और बहन होती हैं तो ठीक है, लेकिन माँ भी तो बहन हो सकती है, तो ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये भी गलत है। महिलाएं माँ भी होती हैं और बहन भी होती हैं, लेकिन ये दोनों भी तो आपस में जुड़े होते हैं, है ना, इसने आपस में नहीं जुड़ा इनको, ये भी गलत है। तो आपका ये सही है। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनमें जो माएं हैं और बहनें हैं, तो वो दोनों आपस में भी जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि जो माँ है वो भी बहन हो सकती है और जो बहन है वो भी माँ हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, वर्ष 1990 के बाद कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें सेम टू सेम कैलेंडर आएगा 1990 के बाद। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जब हम निकालते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। मैं आपको पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आगे से मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप अपने आप इसको फटाफट निकाल लेंगे, चाहे आपसे कोई सा भी सन पूछा हो और कितना भी सेम टू सेम कैलेंडर वाला ईयर पूछा हो, आप आराम से बता देंगे। तो क्या करते हैं, सन 1990 में 365 दिन थे, यानी कि 52 हफ्ते 1 दिन, तो इसमें विषम दिन कितने आए, 1 दिन आया। इसी तरह 1991 में निकाला, 1 विषम दिन इसमें आया। 1992 क्योंकि लीप वर्ष था, 366 दिन थे, तो कितने विषम दिन आए, 2 विषम दिन आए। इसी तरह 93 में भी 1 विषम दिन आया, 94 में भी 1 विषम दिन आया। अच्छा, हम इसे कब तक निकालते रहेंगे, हम इसे तब तक निकालते रहेंगे जब तक हमारे पास 1 हफ्ता पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमारे पास 7 दिन पूरे नहीं हो जाते। अगर इसके बीच में 2 लीप वर्ष आ जाते तो एक ईयर हम घटा देते, तो हम इसे तब तक निकालते हैं जब तक हमारे पास ये जो विषम दिन है ये 7 विषम दिन नहीं हो जाते। जहाँ 7 विषम दिन हो जाएंगे वहां हम रुक जाएंगे। तो यहाँ पर 1995 में जाकर ये 7 विषम दिन हुए, देखो हमने सबको जोड़ दिया, तो ये 7 विषम दिन 1995 में हुए। अब क्योंकि ये 7 विषम दिन हो गए, तो 7 में पूरा हफ्ते से कट जाता है, खत्म। तो इसका जो अगला साल होगा उसमें बिल्कुल सेम टू सेम कैलेंडर आएगा, यानी कि 1990 के बाद 1996 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल 1990 के जैसा ही होगा। तो यहाँ पर आपका कौन से आंसर में 1996 है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया। चलो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप रीजनिंग अपने आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को भी आपको वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर भी अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है किसी सवाल को लेकर, या इस तरह के और भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखिएगा, लाइक करिए अगर आपको पसंद आया है, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ताकि आप और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ देख सकें। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक।